हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू हार्डवेयर के बारे में जो है माइक्रोबिट का माइक्रोबिट हार्डवेयर के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं और एंड तक वीडियो को देखिएगा बिना समय गवाएं वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा तो चलिए हम इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से बी माइक्रोबिट एक पॉकेट साइज का कंप्यूटर है जो हमें बताता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ वर्क कैसे करते हैं यहाँ पर बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्क करती है तो इंट्रोडक्शन में हमको समझ में आ गया है कि एक कंप्यूटर है पॉकेट साइज़ का जैसे कि हमारा आरडिनो होता है या फिर रसबेरी पाई है और इसका जो साइज़ होता है दोस्तों वो लगभग एक एटीएम कार्ड के बराबर होता है मार्केट में अभी तक इसके दो वर्ज़न अवेलेबल हैं फर्स्ट जो वर्ज़न है वो लॉन्च हुआ था 10 फरवरी 2016 को जिसमें नॉर्डिक एन आर एफ फाइव वन एट टू टू का सी पी यू लगा हुआ था और उसकी स्पीड जो है वो सिक्सटीन मेगा की है थर्टी टू बीट का माइक्रो कंट्रोलर है आर्म कॉर्टेक्स का टू फिफ्टी सिक्स किलो बाइट का फ्लैश मेमोरी है सिक्सटीन किलोबाइट का स्टैटिक रैम है और टू पॉइंट फोर जीगा का ब्लूटूथ लो एनर्जी वायरलेस डिवाइस उसमें अटैच है सेकेंड वर्ज़न जो है वो लॉन्च हुआ था तेरह अक्टूबर दो हज़ार बीस को जो लेटेस्ट वर्ज़न है इसका जिसमें सी पी यू जो है वो नॉर्डिक एन आर एफ फाइव टू एट थ्री थ्री का है जिसकी स्पीड है सिक्सटी फोर मेगा थर्टी टू बिट का आर्म कॉटेक्स का एम फोर माइक्रो कंट्रोलर उसमें लगा हुआ है फ़ाइव वन टू किलो बाइट का फ्लैश मेमोरी है उसमें और वन ट्वेंटी एट किलो बाइट का स्टैटिक रैम है उसकी भी जो ब्लूटूथ है उसका जो स्पीड है वो टू पॉइंट फोर जीगा हट्स की है दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इसके फ़ीचर्स के बारे में तो इसके जो फ्रंट साइड में आप देखेंगे आपको यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव करके दिखाई दे रहा होगा तो एक, -एक करके हम बात करेंगे इन सभी पिंस के बारे में और ये जो वर्ज़न है ये फर्स्ट वर्जन के बारे में मैं बता रहा हूँ जिसमें फाइव फीचर्स फ्रंट साइड में दिए गए हैं माइक्रोबिट के तो पहला जो है वो है बटन फर्स्ट नंबर पर जो है वो बटन है माइक्रोबिट के पास दो बटन फ्रंट में होते हैं जो अलग अलग या एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं नंबर टू पर है एलईडी डिस्प्ले एंड लाइट सेंसर ट्वेंटी फाइव एल एक फाइव बाई फाइव ग्रिड में अरेंज होकर डिस्प्ले बनाते हैं जिसमें हम पिक्चर वर्ड और नंबर देख सकते हैं ये डिस्प्ले एक लाइट सेंसर की तरह भी वर्क करते हैं और हमें बताते हैं कि माइक्रोबिट के ऊपर कितनी लाइट फॉल हो रही है जस्ट लाइक लाइट डिपेंडेंट रसिस्टर नंबर थ्री है पिन्स जो कि जी पी आई पिंस है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस जी पी आई पिंस आपको अलाउ करती है कि आप माइक्रोबिट में हेडफोन्स सेंसर टच और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर सकते हैं और माइक्रोबिट की पॉसिबिलिटी को एक्सपांड कर सकते हैं नंबर फोर जो है वो भी एक पिन है थ्री वोल्ट पावर की इस पिन की हेल्प से आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को थ्री वोल्ट पावर सप्लाई कर सकते हैं नंबर फाइव पे जो पिन है वो ग्राउंड है ये पिन एक्सटर्नल कनेक्ट जो कंपोनेंट एक्सटर्नल कनेक्टेड होते हैं उन कंपोनेंट को अर्थ प्रोवाइड करने का काम करती है जिससे इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो सके ये तो फीचर्स हो गया फ्रंट साइड का जो कि पुराने वर्जन में था अब हम देखेंगे नए वर्ज़न में फ्रंट साइड में दो और फीचर्स ऐड हुए हैं वो क्या हैं यहाँ पर सिक्स और सेवन नंबर का पिन एक्स्ट्रा अटैच किया गया है तो सिक्स नंबर का जो पिन है वो टच लोगो है न्यू माइक्रोबिट में एक, एक एक्स्ट्रा इनपुट जोड़ा गया है ये गोल्डन कलर का लोगो टच सेंसर की तरह भी वर्क करता है आप इसको अपने प्रोग्राम में एक एक्स्ट्रा बटन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ए और बी बटन की जैसे जैसे ए और बी जो बटन यहाँ पर दिया गया है उसकी तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं अब बात करेंगे सेवन्थ नंबर की पिन की जो है माइक्रोफोन एल ये एक नया इसमें ऐड हुआ है ये इन माइक्रोफोन बाहर के साउंड और नॉइस को डिटेक्ट करता है अगर आपने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो बाहर के साउंड को डिटेक्ट कर सके तब माइक्रो माइक्रोफोन की एलईडी इंडिकेशन शो करेगा जब माइक्रोफोन एक्टिव होगा एलईडी के लेफ़्ट में आपको एक छोटा होल दिखा दिख रहा होगा है ना यहीं से साउंड क्या होता है एंटर करता है दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ फीचर्स ऑन दी बैक तो आपको दिखाई दे रहा होगा पुराने वर्जन में बैक साइड में दस फीचर्स हैं तो एक, -एक करके हम देखते हैं फर्स्ट नंबर जो है वो है रेडियो एंड ब्लूटूथ एंटीना आपका माइक्रोबिट दूसरे माइक्रोबिट से कम्युनिकेशन कर सकता है रेडियो की हेल्प से और दूसरे डिवाइसेस से भी ब्लूटूथ की हेल्प से ये कम्युनिकेशन करने में सक्षम है नंबर सेकंड जो है वो है एक प्रोसेसर और टेम्परेचर सेंसर प्रोसेसर इसका ब्रेन होता है जो इंस्ट्रक्शन को फैच डिकोड करने का काम करता है इसमें एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है जो ये बताता है कि आपके आसपास का इन्वॉर्मेंट कोल्ड है या वार्म है नंबर थ्री पे है वो है कंपास। अगर आपको मैग्नेटिक नॉर्थ या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो आप कर सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड को थ्री डायमेंशनली मेज़र कर सकता है आप इसका यूज़ करके सिंपल डोर और विंडो अलार्म बना सकते हैं नंबर फोर पे है एक्सेलरोमीटर ये फोर्स को थ्री डायमेंशनल में मेज़र करता है इसकी हेल्प से आप गेम बना सकते हैं शेक इनपुट ऐड करके जैसे कि डाइस नंबर फिफ्थ पे है पिन्स जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी पिंस है यहाँ पर नंबर सिक्स देखेंगे जो है माइक्रो यूएसबी एस शॉकेट इसकी हेल्प से हम माइक्रोबिट पर कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं और इसके यू इंटरफेस से पावर भी दे सकते हैं माइक्रोबिट को नंबर सेवन है सिंगल रेड एलईडी। ई डी ये रेड एल फ्लैश करती है जब आप कोई प्रोग्राम अपलोड करते हो माइक्रोबिट पर और ये अगर कंटिन्यू ऑन है मींस पावर सप्लाई ओके है और ऑन है ये ये बताती है नंबर एट है वो है रीसेट बटन ये जो कर, प्रोग्राम को आपके स्टार्ट करता है फ्रॉम दी बिगिनिंग से नंबर नाइन पर है वो है बैटरी सॉकेट अगर आप माइक्रोबिट को यू से पावर नहीं देना चाहते तो आप बैटरी सॉकेट पर ट्रिपल ए बैटरीज कनेक्ट करके पावर दे सकते हैं ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों क्योंकि इससे आप अपने माइक्रोबिट को अगर आप कहीं बाहर यूज़ कर रहे हैं जहां पर पावर सप्लाई नहीं है तो ये बहुत यूज़फुल रहता है नंबर टेन जो है वो है यू इंटरफेस चिप इंटरफेस चिप यूज़ होता है फ्लैशिंग न्यू कोड टू माइक्रोबिट सेंडिंग और रिसीविंग सीरियल डेटा के लिए इसका यूज़ किया जाता है पुराने वर्ज़न में आपको टेन फीचर्स दिखाई दिए होंगे और अब हम बात करेंगे नए वर्ज़न की जिसमें फाइव और न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं तो चलिए देखते हैं तो इलेवन नंबर पे है इस्पीकर ये एक न्यू वर्ज़न है इस बिल्ट इन स्पीकर की हेल्प से आप अपने प्रोजेक्ट में म्यूज़िक और न्यू साउंड एड कर सकते हो ट्वेल्व नंबर पे है माइक्रोफ़ोन ये भी एक न्यू वर्ज़न है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ माइक्रोफोन एल के जरिए थर्टीन नंबर पर जो है वो है रेड पावर एल ये भी एक नया वर्ज़न है जो पावर इंडिकेटर का है ये भी आपको मैं बता चुका हूँ फोर्टीन नंबर पे जो फीचर्स है इसके बैक पे वो है येलो यूएसबी एलईडी ये येलो कलर की न्यू एल ई डी एड की गई है इसमें जो इंडिकेट करती है कि माइ माइक्रोबीट का जो कम्युनिकेशन है कंप्यूटर के साथ हो रहा है और लास्ट में दोस्तों हैं फिफ्टीन नंबर जो है एक रीसेट एंड पावर सेवर बटन इस पावर सेवर बटन को अगर आप होल्ड करके रखें रखेंगे तो एल पहले फैड होगी और फिर डार्क होगी जिससे माइक्रोबीट पावर सेवर मोड पर चले जाएगा और अगर आप फिर से बटन को प्रेस करते हैं तो ये पावर सेवर मोड से बाहर आ जाएगा तो ये बटन बहुत ही यूज़फुल है जिससे हम पावर सेव कर सकते हैं अपनी बैटरी का जो कि अटैच होती है माइक्रोबिट पर अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इसमें आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जैसे इसका डिस्प्ले का यूज़ करके आप अलग अलग प्रकार के इसमें स्माइली इस हार्ट शेप या फिर स्टार शो कर सकते हैं इसके लाइट सेंसर की हेल्प से आप एक लाइट सेंसिंग अलार्म बना सकते हैं जो डे में और नाइट में भी लाइट को सेंस कर सके इसका यूज़ आप म्यूज़िक बनाने के लिए भी कर सकते हैं और हेडफोन की हेल्प से आप इसको सुन भी सकते हैं आप इसको अपने वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट में माइक्रोबिट की हेल्प से आप एक डाइस भी बना सकते हैं जब आप माइक्रोबिट को शेक करते हैं तो उसमें रेंडमली नंबर आना शुरू हो जाते हैं, जैसे डाइज में आता है सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इसके आगे मैं आपको माइक्रोबिट की हेल्प से आपको सर्किट डिज़ाइन करना बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज़ लाइक like करें शेयर करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास माइक्रोबिट अवेलेबल हो या मत हम ऑनलाइन टिंकर कैट की हेल्प से इसको यूज़ कर सकते हैं